दोस्तों YouTube पे कम्युनिटी टैब में कुछ दिन पहले मैंने एक पोस्ट डाला था कि आपको क्या चाहिए, सब्सक्राइबर चाहिए, वॉच टाइम चाहिए या दोनों चाहिए। लेकिन दोस्तों इसमें वोट तो कम आए, लेकिन आप लोग स्क्रीन पे देख सकते हो सबसे ज़्यादा रिक्वायरमेंट सब्सक्राइबर की होती है। आपका सब्सक्राइबर नहीं बढ़ पाता। तो आज के इस वीडियो में पूरा डिटेल में बात करेंगे सब्सक्राइबर आपको किस तरीके से मिलेगा और कैसे मिलेगा। अगर आपको अपने चैनल पर 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट करना है तो आप किस तरीके से कर सकते हो, पूरा डिटेल में आपको बताने वाला हूँ। उसके बाद मैं आपको ये भी बताने वाला हूँ आप किस तरीके से पैसे देकर सब्सक्राइबर को खरीद सकते हो। पूरा प्रैक्टिकल करके भी दिखाऊंगा आगे किस तरीके से आप कर सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों आज के समय में 2021 में सब्सक्राइबर बढ़ाना काफ़ी आसान नहीं है, लेकिन काफ़ी मुश्किल भी नहीं है। लेकिन दोस्तों ये आप बोल सकते हो 99% अगर आप सब्सक्राइबर बढ़ाने का काम करोगे तो 100% उसमें चांस ये है कि आपका सब्सक्राइबर डाउन हो जाएगा और डिक्रीज़ हो जाएगा। पहले ऐसा नहीं होता था, जब मैंने चैनल अपना बनाया था तो अगर आपको अपना सब्सक्राइबर बढ़ाना होता था तो किसी को भी तो सब फॉर सब करके अपना चैनल पे सब्सक्राइबर बढ़ा लेते थे, या तो फिर कोई एक नया आईडी बनाते थे उसके बाद में अपने चैनल पे सब्सक्राइब कर लेते थे, तो वो सब्सक्राइबर रुका रहता था, मतलब टिक जाता था और वो डिक्रीज़ नहीं होता था। लेकिन आज के समय में अगर आप ये काम करोगे तो 1 से 2 घंटे बाद में या तो फिर 24 घंटे के अंदर अंदर कभी भी वो सब्सक्राइबर डाउन हो जाएगा। किसी से सब फॉर सब करोगे तब भी वो डाउन हो जाएगा। यहाँ तक कि दोस्तों मैंने कुछ ऐसे लोगों को देखा है जो सब करते हैं लेकिन वीडियो को वॉच करते हैं, उसके बाद में लाइक करते हैं, कमेंट करते हैं, उसके बाद में सब्सक्राइब करते हैं, लेकिन फिर भी उनका सब्सक्राइबर डाउन हो जाता है, डिक्रीज़ हो जाता है। तो इस कंडीशन में दोस्तों आपका तो ये आइडिया बिल्कुल भी काम नहीं करेगा। उसके बाद में दोस्तों काफ़ी सारे एप्लीकेशन आए थे मार्केट में जो सब्सक्राइबर दे रहे थे फ्री में, आपको कोई लेना पड़ता था। जैसे बात करूंगा YT लव का या तो फिर YT स्टूडियो का, ये सारे एप्लीकेशन बहुत ही अच्छे तरीके से काम कर रहे थे शुरू में। लेकिन आज के समय में अगर इस पर सब्सक्राइबर बढ़ाने का काम करोगे तो इस पे सब्सक्राइबर बढ़ाओगे भी तो आपका सब्सक्राइबर डिक्रीज हो जाएगा और आपका सब्सक्राइबर 24 घंटे के लिए माइनस दिखाने लगेगा, मतलब इतना ज़्यादा डिक्रीज़ हो जाता है। तो इस कंडीशन में आपको क्या करना पड़ेगा, आप अपने चैनल पे सब्सक्राइबर किस तरीके से बढ़ा सकते हो, उसके लिए दोस्तों आपको कुछ ना कुछ पेमेंट करना पड़ेगा। पेमेंट किस तरीके से करोगे, आप किसी भी SMM पैनल पे जाकर परचेज़ कर सकते हो अच्छा सर्विस देकर। जैसा कि दोस्तों मैंने काफ़ी वीडियो में आप लोगों को बताया है कि डिजिटल स्टोर SMM पैनल पे आप लोग जाकर रजिस्ट्रेशन कर लो, वहां से पूरी सर्विस आपको मिल जाएगी, इंस्टाग्राम से रिलेटेड, यूट्यूब से रिलेटेड या फिर अदर कोई भी सोशल मीडिया मार्केटिंग का टूल वो है, उसमें आपको पूरा सर्विस मिल जाएगा। अगर इसमें आप सब्सक्राइबर खरीदते हो दोस्तों तो लगभग 1900 रुपये में आपको 1000 सब्सक्राइबर मिल जाएगा और मिनिमम 30 डे इसका टाइम होता है, मैक्सिमम 30 डे के अंदर अंदर आपका 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो जाएगा इजी तरीके से। लेकिन आपको इसमें पेमेंट करना पड़ेगा। काफ़ी ज़्यादा SMM पैनल पे दोस्तों फ्रॉड होता है। उसमें क्या होता है कि अगर आप पेमेंट कर दोगे उसके बाद में ऑर्डर लगा दोगे, ऑर्डर प्लेस कर दोगे तो आपका पेमेंट ख़राब हो जाएगा, मतलब वो ऑर्डर प्लेस ही नहीं होगा। अगर वो प्लेस भी हो जाएगा तो सब्सक्राइबर तो बहुत जल्दी दे देगा, मतलब एक दिन में 100 सब्सक्राइबर दे देगा, लेकिन दूसरे दिन वो डाउन हो जाएगा। मेरे साथ ऐसा काफ़ी बार हुआ है, मैंने सब्सक्राइबर बढ़ाए हैं उसके बाद में दूसरे दिन डाउन हो गया। तो आपको इसी तरीके से कोई अच्छा SMM पैनल पे जाना है और जो डेली का 10 से 15 या 20 सब्सक्राइबर अगर आपको देता है तो आप ये मान के चलिए कि वो सब्सक्राइबर आपका डाउन नहीं होगा और वो हमेशा के लिए आपके पास रहेगा। तो दोस्तों किसी अच्छे SMM पैनल पे जाकर आपको परचेज़ करना है या तो फिर डिजिटल स्टोर SMM पैनल पे जाना है, लिंक उसका डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए मैं आपको अपने लैपटॉप की स्क्रीन पे लेकर चलता हूँ और वहाँ मैं आपको दिखाता हूँ किस तरीके से ऑर्डर प्लेस किया जाता है डिजिटल स्टोर SMM पैनल पर। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों आपको अपने गूगल क्रोम में आपको अपन ये डिजिटल स्टोर SMM पैनल ओपन कर लेना है। इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर इसमें आपने रजिस्ट्रेशन नहीं किया तो रजिस्ट्रेशन कर लो, बिल्कुल फ्री में आपको यहाँ रजिस्ट्रेशन मिल जाएगा। तो दोस्तों कुछ इस तरीके से इसका इंटरफेस है। अगर आप पहली बार इसमें रजिस्ट्रेशन करोगे तो आपके पास वॉलेट बैलेंस नहीं होगा, लेकिन अभी आप लोग मेरे वॉलेट में देख सकते हो 267 रुपये 35 पैसे मेरे पास हैं। अगर आपको फंड ऐड करना है तो ऐड फंड पर आपको क्लिक करना होगा। उसके बाद में यहाँ से पेटीएम के थ्रू आप QR कोड को स्कैन करके आप इसमें पेटीएम से इसमें पेमेंट ऐड कर सकते हो। यहाँ आपको पेमेंट डालना पड़ेगा, यहाँ ट्रांजेक्शन ID डालना पड़ेगा। अगर आप यहाँ पेटीएम चेकआउट से करोगे तो ये रिडायरेक्ट कर देगा पेटीएम पे और वहाँ से आप अपना UPI ID डालकर या फिर डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड जो भी आपके पास है उससे आप इसमें पेमेंट ऐड कर सकते हो। तो दोस्तों इस तरीके से आपके पास पेमेंट इसमें आ जाएगा। उसके बाद में दोस्तों इसमें आपको ऑर्डर करना पड़ेगा। ऑर्डर लगाने के लिए आपके पास सबसे पहले वॉलेट बैलेंस होना चाहिए। तो वॉलेट बैलेंस अगर आपने ऐड कर लिया तो आपके पास तुरंत ये वॉलेट बैलेंस आ जाएगा। उसके बाद में दोस्तों यहाँ
आपको न्यू ऑर्डर पर क्लिक करना पड़ेगा। कोई भी ऑर्डर प्लेस करने के लिए न्यू ऑर्डर पर आना पड़ेगा। यहाँ सबसे पहले कैटेगरी सेलेक्ट करना पड़ेगा, आप इसमें क्या परचेज करना चाहते हो। कैटेगरी पर क्लिक करेंगे उसके बाद में यहाँ काफ़ी सारे ऑप्शन आपको मिल जाते हैं, लेकिन ऊपर में आप लोग देख सकते हो यूट्यूब सब्सक्राइबर का एक ऑप्शन है। उसके बाद में दोस्तों यहाँ ऑर्डर सर्विस के में आएंगे नीचे, तो इसमें तीन ऑप्शन दिए हुए हैं। सबसे पहला वाला जो ऑप्शन है दोस्तों, उसमें आप लोग प्राइस देख सकते हो, 368 रुपये में 1000 सब्सक्राइबर मिलेगा, लेकिन ये तुरंत दोस्तों 1 से 2 घंटे के अंदर अंदर ये डिक्रीज़ हो जाएगा। ये सर्विस क्यों ऐड किया गया है वो मैं आपको एंड में बताऊँगा, इतना कम प्राइस इसका क्यों है और आपको इतने कम प्राइस में 1000 सब्सक्राइबर क्यों दिया जा रहा है वो लास्ट में आपको बता दूंगा। उसके बाद में दोस्तों जो दूसरा वाला ऑप्शन है, ये यूट्यूब जो इसकी आईडी है 756 है। उसके बाद में दोस्तों आप लोग देख सकते हो यूट्यूब USA सब्सक्राइबर 30 डे रिफिल, 10 से 30 सब्सक्राइबर आपको डेली मिलेगा और इसका जो प्राइस होगा वो लगभग 2000 से कम है, 1900 रुपये इसमें लगेगा और आपको 10 से 30 सब्सक्राइबर के बीच में डेली मिलेगा। यहाँ डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है, आपका जो चैनल है उस पर सब्सक्राइबर हाइड नहीं होना चाहिए। उसके बाद में आपको यहाँ आप लोग देख सकते हो नाउ स्पीड 10 से 20 सब्सक्राइबर पर डे मिलेगा, इंस्टेंट ये स्टार्ट हो जाएगा, मतलब तुरंत स्टार्ट हो जाएगा, जैसे ही ऑर्डर लगाओगे तुरंत स्टार्ट हो जाएगा। उसके बाद में दोस्तों आप लोग ये तीसरा वाला ऑप्शन देख सकते हो, इसमें 2400 रुपये लगेगा और आपको बहुत जल्दी सब्सक्राइबर दे दिया जाएगा और ये डिक्रीज भी नहीं होगा, तो थोड़ा सा पैसा इसमें ज़्यादा लगेगा लेकिन आपका 100% जल्द से जल्द कंप्लीट हो जाएगा। ये मान के चलो कि 15 से 10 दिन के अंदर अंदर आपके चैनल पर 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो जाएगा इसी तरीके से। तो यहाँ से आपको कोई भी ऑप्शन सेलेक्ट कर लेना है, ये पहला वाला ऑप्शन नहीं सेलेक्ट करना, वो एंड में देख लेना उसके बाद में ही करना, लेकिन ये दूसरा वाला ऑप्शन और ये तीसरा वाला ऑप्शन कोई भी आप सेलेक्ट कर सकते हो। उसके बाद में यहाँ चैनल का लिंक आपको देना पड़ेगा, जो भी चैनल आपका है, जैसे लिंक अगर आपको कॉपी करना है तो लिंक आप कॉपी कर सकते हो या तो फिर कस्टमाइज में जाकर भी लिंक कॉपी कर सकते हो, जैसे आपका कस्टम यूआरएल होता है उसी तरीके से आप इसमें कर सकते हो। जैसे ये हमारा चैनल का कस्टम यूआरएल है तो इसको इस तरीके से कॉपी करेंगे, उसके बाद में यहाँ अपना पेस्ट कर देंगे, कंट्रोल भी करेंगे या तो फिर राइट क्लिक करके यहाँ पेस्ट कर देंगे तो हमारा जो चैनल का लिंक है वो आ जाएगा। आपको इसको देख कर ही करना है, आप यहां से कस्टम यूआरएल से जाकर करोगे तो आपका गलत नहीं होगा, इसीलिए मैंने यहां से बताया। कुछ लोग यहां से भी कर लेते हैं लेकिन अगर आप यहां से करोगे तो आपके चैनल का जो यूआरएल है वो गलत नहीं होगा। तो कभी कभी क्या होता है कि गलत यूआरएल आप डाल देते हो उसके बाद में आपको काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हो जाती है, तो आप यहाँ से आप अगर आप चैनल का यूआरएल कॉपी करोगे तो दिक्कत नहीं होगा, इसलिए मैं यहाँ से बता रहा हूँ आपको। उसके बाद में दोस्तों यहाँ क्वांटिटी डालना पड़ेगा, आपको कितना सब्सक्राइबर लेना है। जैसे एग्जांपल मुझे अगर 500 सब्सक्राइबर लेना है तो इसमें आपका टोटल प्राइस आ जाएगा 950 रुपये। उसके बाद में इसको यस करेंगे, उसके बाद में प्लेस ऑर्डर पर क्लिक कर देंगे, ऑर्डर यहाँ से प्लेस हो जाएगा। तो जैसे मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ तो मेरे पास अभी 267 रुपये ही हैं लेकिन इसमें लग रहा है 950 रुपये, तो ऑर्डर प्लेस पर क्लिक करूँगा तो ये मुझे बता देगा कि आपके पास वॉलेट बैलेंस नहीं है। आप लोग देख सकते हो नॉट इन आउट फंड ऑन बैलेंस, मतलब आपके पास इतना बैलेंस नहीं है जितना आप ऑर्डर लगा पाओ, तो इस तरीके से ऑर्डर प्लेस कर सकते हो। जैसे अगर आप मुझे 100 सब्सक्राइबर चाहिए तो 190 रुपये लगेगा, लेकिन यहाँ आपको एक ऑप्शन दिया जा रहा है मिनिमम 200 रुपये का आपको ऑर्डर करना ही पड़ेगा, तो लगभग आपको 200 सब्सक्राइबर लेना है और ये मल्टीपल 100 के मल्टीपल में ही लेना है। ये ऐसा नहीं करना है कि 210 आप ले लो या तो फिर 220 ले लो, इस तरीके से मत करना, नहीं तो इसमें दिक्कत हो जाएगी। आप 100 के मल्टीपल पे ही करोगे तो अच्छा रिस्पॉन्स इसमें मिलता है। तो आप यहाँ से देख सकते हो ऑर्डर मैंने डाल दिया, उसके बाद में प्लेस ऑर्डर पे जैसे क्लिक करोगे आपका ऑर्डर हो जाएगा। उसके बाद में यहाँ ऑर्डर पे जाकर ऑर्डर लॉग में जाकर आप अपना ऑर्डर देख सकते हो, जैसे इसमें आप लोग देख सकते हो ऑर्डर, इतना ऑर्डर इसमें मैंने लगाया था और ये कंप्लीट भी हो चुका है। तो इस तरीके से आपका ऑर्डर लगेगा, पहले तो इन पेंडिंग में जाएगा, उसके बाद में इन प्रोसेस होगा, आपका वर्किंग हो जाएगा, उसके बाद में कंप्लीट होने के बाद में ये कंप्लीट दिखाने लगेगा इस तरीके से। तो दोस्तों इस तरीके से आप इसमें ऑर्डर लगा सकते हो। अब बात करेंगे दोस्तों जो ये पहला वाला ऑप्शन के बारे में मैंने बात किया था यूट्यूब सब्सक्राइबर वाला, ये तो दोस्तों इसमें क्या होता है कि अगर आपके पास लगभग 500 सब्सक्राइबर या तो फिर 1000 सब्सक्राइबर में थोड़ा सा कम है, जैसे 900 सब्सक्राइबर है, 800 सब्सक्राइबर है और आपको ऐसा लगता है कि मतलब इतना पैसा देना नहीं चाहिए क्योंकि मेरा सब्सक्राइबर तो आ ही जाएगा, तो इसमें आप इसमें ले सकते हो। जैसे अगर आप इसमें लेते हो 500 सब्सक्राइबर इसमें लेते हो तो 184 रुपये में 500 सब्सक्राइबर तो आपको मिल जाएगा। उसमें क्या होगा कि अगर आपके चैनल पर वॉच टाइम कंप्लीट हो चुका है और सब्सक्राइबर कम है आपके पास में, जैसे 800 सब्सक्राइबर हैं, 700 सब्सक्राइबर है, तो
तो जल्द से जल्द ये कंप्लीट करने का ऑप्शन है। तुरंत ये लगभग 10 मिनट के अंदर अंदर आपके चैनल पर सब्सक्राइबर कंप्लीट कर देगा। उसके बाद में अपने चैनल को आप मोनेटाइजेशन के लिए अप्लाई कर सकते हो, तो उसके लिए ये ऑप्शन दिया गया है। अगर आपको कंटिन्यू सब्सक्राइबर चाहिए तो ये वाला ऑप्शन नहीं चूज़ करना है, सेकंड वाला ऑप्शन या थर्ड वाला ऑप्शन चूज़ करना। तो इस तरीके से आप इसमें डिजिटल स्टोर इसमें पैनल में आप ऑर्डर लगा सकते हो। इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो दोस्तों आप लोगों ने देखा, मैंने आपको अपने लैपटॉप की स्क्रीन पर दिखाया किस तरीके से आप डिजिटल स्टोर इसमें पैनल सब्सक्राइबर को परचेज कर सकते हो। दोस्तों आपको अगर आप सब्सक्राइबर लेना चाहते हो तो आपको पेमेंट करना ही पड़ेगा। अगर आपके पास पेमेंट नहीं है तो इसका सोल्यूशन कुछ भी नहीं है, क्योंकि आपके पास सब्सक्राइबर आने में 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट करने में लगभग 1 साल से भी ज़्यादा लग सकता है। सब फुर्सत करोगे तो आपका सब्सक्राइबर डाउन हो जाएगा, किसी भी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन पर जाओगे तो वहाँ से भी डाउन कर देगा। तो आपके पास सिर्फ एक ही ऑप्शन बचता है, पैसे देकर आप सब्सक्राइबर खरीद लो। किसी अच्छे एसएमएम पैनल पर जाकर सब्सक्राइबर खरीद लो, और अगर आप डिजिटल स्टोर एसएमएम पैनल पर ट्रस्ट करते हो और आपको लगता है कि मतलब ये स्टोर बिल्कुल बेस्ट है और अच्छे से काम करेगा तो इसी स्टोर से आप खरीद सकते हो। रिकमेंड नहीं है, लेकिन अगर आपके पास और कोई अच्छा एसएमएम पैनल आपके पास ऑलरेडी है तो वहाँ से भी आप खरीद सकते हो। तो आई होप दोस्तों वीडियो आपको काफ़ी पसंद आया होगा। दोस्तों वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कर दीजिएगा, और आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो इसको सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस कर देना, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको हमेशा मिलता रहे। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलूंगा किसी दूसरे वीडियो में दूसरे टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय दोस्तों, थैंक यू।